वेलकम टू क्वीन ऑफ द किचन। आप सबके सहयोग से हमारा ये चैनल 300 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबके लिए मैं यहाँ पर राजस्थान के फेमस चूरमा के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है 2 कप। ये थोड़ा मोटा आटा है और इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। इस तरह से इसका टाइट डो तैयार करना है। 10 मिनट के लिए हम इसको साइड में कवर कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में देसी घी गरम होने के लिए रख दिया है और हमारा आटा भी फूल कर तैयार है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा आटा लेकर और इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए एक लंबा शेप तैयार करेंगे। सारे आटे का हमको इसी तरह से शेप तैयार करना है। यहाँ पर मैंने पूरे आटे को इस तरह से शेप देकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर घी भी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें इनको डालकर और डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इनको एक बार पलट लेते हैं और इनको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए ये एकदम तलकर तैयार है। हमको इसी तरह से कलर लेना है इसका और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने बचे हुए आटे की लोई को भी डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया है और जो ऑलरेडी डीप फ्राई है उनको हम इस तरह से थोड़ा सा दबाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये भी तलकर तैयार है। हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इसी तरह से इनको लाइट गोल्डन ब्राउन रखिए, क्योंकि इस तरह से रखने पे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यदि आप इनको ज़्यादा तल देंगे तो लड्डू जो है वो बहुत ड्राई होंगे, इसलिए इनको लाइट गोल्डन ब्राउन ही तलिए। ये ठंडे हो चुके हैं और इनको हम मिक्सी में डालकर इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने मिक्सी में इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसको ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें हम ये पाउडर डालकर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पर इसको सेकेंगे। इसमें हम यहाँ पर 3 बड़े टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और इसको सेकेंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं इसको सेकते हुए। हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 5 से 6 इलायची का पाउडर लिया हुआ है, 10-15 बादाम को चॉप करके लिया हुआ है, 10 से 15 काजू को चॉप करके लिया हुआ है, 30 से 35 यहाँ पर मैंने किशमिश ली है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून किसा हुआ नारियल का पाउडर लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको साइड में उतार कर रख लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी बूरा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून मलाई डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें मलाई के बदले दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको एक बार हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। साइज आप
अपने अनुसार ले सकते हैं कितनी छोटी बड़ी बनानी है, और शुगर भी आप अपने अनुसार भी थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप इनके लड्डू तैयार कर लीजिए। देखिए लड्डू बनकर तैयार है और ये कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं। चूरमा के लड्डू और बाटी का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और विदाउट चूरमा के बाटी पूरी नहीं होती है। तो इस तरह से आप चूरमा के लड्डू बनाकर दाल बाटी को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज कमेंट कर बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए फैंटास्टिक डे।